नाम हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। आपने ये दूसरा मैच आज देखा है? कुछ लोग पहले मैच में बातें कर रहे थे कि यार तुक्का चल गया, तुक्का चल गया, तुक्का चल गया, तो इंडिया जीत गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखना ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में कमबैक करता, ये करता, वो करता। देखो मैंने कल प्रेडिक्शन वीडियो में भी ये बात की थी कि टीम इंडिया का जो आईपीएल का टैलेंट है वो सबका घंटा बजाएगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आएगी। अब आपने देख लिया, अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसने फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। पांच मैच की सीरीज इंडिया व्हाइट वॉश करेगी क्या भाई? व्हाइट वॉश नहीं, इन्हें ब्लैक वॉश करेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, मुंह काला करके जो इन्होंने शूज ट्रॉफी के ऊपर रखे थे ना, वही इन्होंने जो स्लम्स में जो लेलन की गंदी जूतियां है ना, उसका हाथ बना के डाल के भेजेंगे। जो टाइम था ना मारने का, वो ईशान किशन ने मारा, गायकवाड ने नहीं मारा, क्योंकि पूरा बल्लेबाज तो गायकवाड है, ईशान किशन थोड़ी पूरा बल्लेबाज है। ईशान किशन ट्राई कर रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? क्या वो लिखवा कर आया कि मैं जाऊंगा और मारूंगा? तूने क्या सिंगल डबल के लिए अपने आप को तय करके? अबे तनवीर सांगा, अगर लेफ्टी को आसान लग रहा है, जो कि तुझे लगना चाहिए लेफ्टी को आसान है, उसको ट्राई कर रहा है ईशान किशन, तेरे बल्ले में नहीं आ रही, तू इंतजार कर रहा है कि कोई मारे और मेरे 50 हो जाए। जसवाल जब से उसने इंटरनेशनल डेब्यू किया, हर जगह वो अपना डंका बजा रहा है। जसवाल की तो क्या ही बात करें यार, इज एन क्लास काइंड ऑफ अ बैटर। मतलब वो मेथड को, जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है, उसको भी इंटैक रखता है, वो मॉडर्न भी है, क्लासी भी है। आपको पावर हिटिंग के बजाय वो प्रॉपर स्ट्रोक प्ले करता हुआ नजर आता है, टाइमिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। और आज एक दफा फिर जसवाल की बैटिंग से लगता था कि जैसे वो एक पुराना मैच्योर प्लेयर खेल रहा है, और अप्रिशिएट करते हैं उसकी बैटिंग को। तो सिर्फ रिंकू सिंह ने नीचे से वो स्कोर डाल दिया 200+, नहीं तो आज बहुत बड़ी एंबैरेसमेंट होनी थी। इंडियन है तो इंडियन की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बड़ी पावरफुल है, इसीलिए उनको आए दिन कोई ना कोई स्टार मिलता रहता है, आईपीएल से भी और डोमेस्टिक से भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इससे सीखना चाहिए तमाम क्रिकेटर्स को, खासकर हमारे पाकिस्तानियों को। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जिस तरह रिंकू सिंह ने मैच फिनिशिंग किया, ठीक है यार, मुझे लगता है कि विराट कोहली के बाद आने वाले वक्तों पे रिंकू सिंह जो है वो बहुत बड़ा मैच फिनिशर बन जाएगा। सवाल की जो बारी थी, वन ऑफ द टॉप एंड टफेस्ट नॉक, इसलिए कि दूसरे एंड पे ऋतुराज गायकवाड़ सोच के तो एंकर करने का आए थे, पर जब जब वो बाहें खोल रहे थे, वो बल्ला निकाल रहे थे मारने के लिए, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं हो पा रहा था उनसे। पहले ईशान किशन बहुत जोर से मार रहे थे, आखिर में जो तिलक वर्मा ने टाइम किया वो एफर्टलेस टाइम हो गया, क्योंकि बॉल बैट पर बिल्कुल अच्छी तरह आने लगा है। और चाहे मैं कहता हूँ इसको पूरी बॉल को गीला करके आप मोजे में भी बंद कर दो, तो ये 225-230 रन जब हो जाते हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं, किसी के लिए भी आसान नहीं होते। रिंकू अपना पिंकू है और जसवाल कौन है आपको पता है। देखे दोनों बच्चों में एक बात मुश्तरक है, जब आप किसी चीज के लिए एफर्ट करोगे और वो एफर्ट करने के बाद आपको मिलेगी ना, तो आप डिलीवर करने के लिए बिल्कुल चीते हुए वो हो गए। दोनों बच्चे जानते हैं कि वो किस तरह से 1 अरब 40 करोड़ के देश में आगे आए। उन्होंने मैक्सवेल को देखा, उसको याद आ गया वर्ल्ड कप के साले तुझसे हार गए। जसवाल डिफरेंट प्लेनेट का बल्लेबाज है इस फॉर्मेट के अंदर, और जिस अंदाज से 24 रन का उसने ओवर लिया, और उसके बाद 13 रन पे जब तक वो खड़ा रहा, खेलता रहा 13 रन पे वो खेलता रहा। भाई जिस वक्त ईशान ने छक्के मारे, वही मैंने एक लाइन में बोला है कि उस वक्त ताकत लग रही थी आखिरी के 2 ओवर में, कोई डिस्क्रेडिट नहीं पिंकू को, पर उस वक्त टाइमिंग से छक्का लग रहा है। जो टाइम था ना मारने का, वो ईशान किशन ने मारा। बट यार रिंकू, तुम एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे बेटा? रॉकिंग रिंकू ने आज, रॉकिंग रिंकू एक मरतबा फिर 10 बॉलों के अंदर वो रन मार दिए जो यकीनन 325 का स्ट्राइक रेट। उसने कहा पहले दाम है तो मैं पहले ही मारूंगा। देखे पहले यार ये होता है कि उसका टेम्पो था चेजिंग में, कंसिस्टेंसी उसने आने वाले वक्त में अगर हम देखें ना, तो विराट कोहली की जगह लेगा, ये ले लेगा जगह की विराट। जैसे उसने खेला है ना, जसवाल जैसे जो बैट्समैन है ना, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंशाल्लाह जगह लेगा। ये बिल्कुल वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जसवाल आ गया अब उनके पास, जसवाल जैसे हीरा उनके पास, उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इतने लंबे छक्के और जसवाल देखे, एक बैट्समैन ऊपर से जसवाल नजर आ रहा था, ओए 22 बॉलों में 50, उसमें 4-5 छक्के थे, इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा था, लग रहा है जसवाल खेलने के लिए आया। ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि विराट कोहली अगर रिटायर हो भी जाता तो उनकी जगह अच्छे प्लेयर हैं उनके पास। यशस्वी जसवाल ने भाई कमाल कर दिया, ये बंदा जहां पर जा रहा है ना, ये अपने झंडे जो है गाड़ रहा है, जहां पर भी जा रहा है भाई, कोई ऐसी जगह इसने छोड़ी नहीं है। और इंडिया के अंदर वैसे ही इतना टैलेंट है कि वहां पे जितनी यंग जनरेशन है वो नए टैलेंट को ऊपर लेके आते हैं, और शायद कई जसवाल और होंगे। आज जसवाल की बैटिंग देख के मजा आया, लाइक आपको उम्मीद थी कि वो ऐसा खेल पाएगा?
नहीं उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज बहुत मज़ा आया जिस तरह उसने शॉटे खेलिया बड़े कॉन्फिडेंस से, और बहुत मज़ा आया यानी कि मैच देखने का। आने वाले वक्तों में कुछ नया करके दिखाएगा वहाँ हमको। क्या ये एक बहुत अच्छा साइन है इंडिया के अंदर जो हमारी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो हमारी क्रिकेट का जो हाल है, इंडिया उससे 100 गुना आगे है डोमेस्टिक अकॉर्डिंग। हमारा तो यहाँ फ्रोग नहीं है, सारे लोग जितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो सारे बाहर जाना चाह रहे हैं, वो बाहर की नेशनलिटी के पीछे घूम रहे हैं। फ़र्क क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान के यंगस्टर्स में और इंडियन में? इंडिया की एक्सपर्ट और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी है खेलने का, तो पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, बस यही है कि भाई बैटिंग और इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे तो शायद अच्छा खेल पाएंगे आगे वो भी। सर आप क्या कहेंगे इसको? यही कहेंगे कि पाकिस्तान टीम को अब कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, अब कुछ करना चाहिए। लाइक देखे ना, रिंकू सिंह की सबसे पहले बात करूंगा मैं, बाकी पे भी आता हूँ जिन्होंने अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आऊंगा रिंकू सिंह के ऊपर। रिंकू सिंह प्रोफेशनल मैच विनर, मैच फिनिशर, इससे बेहतर मैच फिनिशर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे लाके दिखा दो। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, क्रिकेट पे बात करना बंद कर देता हूं, जो मर्जी है यार कर लो। रिंकू सिंह बेटा वो इतनी प्रोफेशनल हिटिंग करता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया का घंटा आज फिर बजा दिया। पहले मैच में वो मैच को जिता के गया, दूसरे मैच में उसने जिस तरह आके जो है वो घंटा बजाया, आज मैं कहता हूं रंडी रोना निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया का। अगर सही मानू मैं आपको बताऊं तो हमारे पास टुक 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 छनकना यार, क्या बदतमीजी है, ये क्रिकेट हो रही है। फिर बाबर आजम जी नंबर वन रहे, मेरे छनकने का नंबर वन रहे यार, इन चीजों से बाहर निकलो, ये रैंकिंग रूंकिंग के चक्कर ना ये फजूल हो चुके हुए हैं। मैच फिनिशर बनो, मैच विनर बनो, जिस तरह की बैटिंग ईशान किशन ने की है, कोई उस बंदे ने नहीं देखा कि मैं 52 पे आ गया हूं, अब मैंने शॉट नहीं मारनी, उसने ट्राई की।